डिंडोरी से चोरी का एक और मामला सामने आया है, जहां चोरों ने मास्टर चाबी से जेसीबी मशीन का लॉक खोलकर कटिंग कराने की तैयारी कर ली। हालांकि चोरों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। फिलहाल दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और 3 फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। डिंडोरी से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं हाल ही में चोरी का एक और नया मामला सामने आया है। चोर जेसीबी का लॉक तोड़कर उसे ठिकाने लगा रहे थे कि उसी दौरान पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने चोरों के पास से कई सामान जब्त किए हैं, जिनमें वैगनार कार भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि जेसीबी, जिसे जेसीबी चालक बबलू चला रहा था, वो समनापुर से चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में भी दर्ज कराई गई थी। जब पुलिस ने जेसीबी की तलाश शुरू की तो उन्हें छत्तीसगढ़ में जेसीबी के होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की धरपकड़ की। हालांकि दो चोर ही पुलिस की गिरफ्त में आ पाए हैं। फिलहाल 3 फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। थाना समनापुर में ये घटनाक्रम हुआ था। एक अवन राजपूत है, उनकी जेसीबी को कुछ लोगों ने किराए पर समनापुर में काम करने के लिए बुलाया। ड्राइवर के माध्यम से उन्होंने जेसीबी भेजा, तो रात में 15 तारीख की रात समनापुर में उन्होंने अटेंड किया, जिन लोगों ने बुलाया था गाड़ी को, और दोनों ड्राइवर को उन्होंने रेस्ट हाउस उसमें लॉज में रुकवाया। और रात्रि में जब सो गए तो 12-2 बजे के बीच हुए, जेसीबी को चुरा कर वहाँ से छत्तीसगढ़ की ओर भाग गए थे। और इस घटना की सूचना प्रातः थाने पर मिलने पर पुलिस ने तत्काल निगरानी की और छत्तीसगढ़ पुलिस के भी सहयोग से इस वाहन को हमने कबीरधाम जिले के बाहर थाने के पास पकड़ा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।